नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमाली टिकानी रूपरेला साईं बाबा हॉस्पिटल से। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद लेने वाली कुछ सावधानियों के बारे में, जिसे प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी कहा जाता है। ऑपरेशन के एक दिन पहले आपको कुछ तैयारियां पहले से ही घर पे कर लेनी चाहिए, जैसे कि सारे गहने यानी ज्वेलरी निकाल के घर पे ही रख दें। यदि नाखूनों में नेल पेंट लगा हुआ है तो नेल पेंट को निकाल दें। एक छोटी सी बैग तैयार कर लो जिसमें आपके जरूरत के कपड़े, थर्मस, चम्मच, कटोरी, मोबाइल चार्जर्स इत्यादि रिक्वायरमेंट वाली जो भी चीजें हैं उनको उसमें रख लें। साथ ही साथ उस बैग में अपनी हॉस्पिटल की फाइल, सारे रिपोर्ट, सब कुछ एक साथ रख। ऑपरेशन की एक रात पहले आपको अच्छे से नींद लेना जरूरी है, हल्का आहार लें और रात को जल्दी सो जाएं। अगले दिन उठकर आपको नहाना चाहिए। नहाने के साथ साथ हेयर वॉश करना भी एडवाइजेबल रहता है। प्राइवेट पार्ट के हेयर जरूर रिमूव करके आएं। यदि आपकी डिलीवरी प्लान्ड है या किसी प्रकार की सर्जरी प्लान्ड है तो हॉस्पिटल खाली पेट आएं या डॉक्टर के द्वारा बताए गए टाइम अनुसार फास्टिंग आएं। डॉक्टर के द्वारा बताए गए टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है। यदि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, थायराइड या शुगर की प्रॉब्लम है तो अपने इंसुलिन और अपनी मेडिसिन अपने साथ जरूर लेकर आएं। यदि थायराइड की प्रॉब्लम है आपको और आप टैबलेट्स लेते हैं तो सुबह 1-2 चम्मच पानी के साथ वो मेडिसिन को जरूर ले लें। यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपको और आप उसकी भी मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन भी आप सुबह 1-2 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। आमतौर पर सर्जरी का टाइम फिक्स्ड रहता है, बट कभी कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्जरी में बिजी हो सकते हैं। ऐसे समय में आपकी सर्जरी कभी कभी डिले हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में संयम बनाए रखिए और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करिए। इमरजेंसी सर्जरी खत्म होते ही डॉक्टर जरूर आपकी सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तरफ। डिस्चार्ज के बाद जब आप घर जाते हैं तो जो भी मेडिसिन आपको दी गई हैं उनको समय के अनुसार लेना चाहिए। साफ सफाई यानी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बच्चे को अपना ही दूध देना चाहिए। माँ को एडवाइस रहती है कि 6 महीने तक बच्चे को अपने दूध के अलावा कुछ भी ना दिया जाए। डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक कम से कम आराम करना चाहिए। 1.5 महीने तक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका डिलीवरी सिजेरियन से हुआ है तो कम से कम 3 महीने तक आपको बेल्ट लगाना चाहिए। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप रोज नहा सकते हैं। नहा के अच्छे से साफ सफाई मेंटेन करिए। अगर आपको नीचे टाके आए हैं तो टाकों की भी अच्छे से सफाई मेंटेन करिए और रेगुलरली वहां दवाई लगानी चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो टाके जब तक नहीं खुलते हैं तब तक आप नहा नहीं सकते हैं, बट स्पंज बात कर सकते हैं। टाके खुलने के बाद डॉक्टर के बताए अनुसार आप नहा सकते हैं। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। ये ब्लीडिंग 1.5 महीने तक चल सकती है, तो इसमें परेशान ना होइए। साफ सफाई जरूर मेंटेन करिए। यदि ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती है तो आप डॉक्टर का संपर्क कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस को घर पर नियमित तौर से करते रहें। इससे फ्यूचर में होने वाली बैक पेन, बॉडी पेन और अन्य परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही साथ डायटिशियन द्वारा बताए गए डाइट को जरूर फॉलो करें। डाइट को पौष्टिक रहना चाहिए। उसमें फल, ताजे सब्जियां और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इंक्लूड करते रहना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार लेने से डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद की थकावट और कमजोरी से राहत मिलेगी। ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद जो भी तारीख को आपको डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया है उस तारीख पे जरूर फॉलोअप के लिए आए। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपके ऑपरेशन के पहले का और बाद का समय स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहेगा और आपकी जल्दी से अच्छी रिकवरी हो जाएगी।